भाई हम बाई गॉड कह रहे हैं, चरस का नशा हल्का है लेकिन लड़कियों का नशा एक आदमी के लिए चरस से ज़्यादा खतरनाक है। चरस को या फिर अफीम या फिर कोई भी नशे की चीज़ को गॉड ने इंसानों के लिए नहीं बनाई है, लेकिन लड़कियों को, औरतों को गॉड ने मर्द के लिए बनाई है, बाकायदा बनाई है। गॉड ने वो हार्मोन्स हम लोगों के बॉडी में इसलिए ही रखी हैं क्योंकि हम लोगों का तबीयत लड़कियों की तरफ माइल हो। चरस फ्री में बांटने का इजाज़त है नहीं, लेकिन लड़कियों को लड़कों के साथ लगे बैठा देते हैं। एक फ़र्क समझ में आया लड़कियों में और चरस में? हम कोई तब्दीली नहीं दिलवा रहे हैं कि भाई लड़की और चरस दोनों एक है। हम लड़की के नशा को और चरस के नशा को आपको कंपेयर करके बता रहे हैं। हम आप लोगों को बता रहे हैं ये बात कि लड़की का नशा जो है चरस के नशे से ज़्यादा खतरनाक है। चरस को, अफीम को गॉड ने इंसानों के लिए नहीं बनाया है, लेकिन लड़कियों को बकायदा गॉड ने इंसानों के लिए ही बनाया है। ये हुआ पहला फ़र्क। दूसरा फ़र्क, चरस के तरफ गंदे लोगों की रगबत होती है। हर एक की तबीयत माइल नहीं होती है। पहली दफ़ा पियोगे ना तो पहली दफ़ा पीना बहुत मुश्किल है, सब नहीं पी लेता है। लेकिन लड़कियों के तरफ हर इंसान की, अगर वो इंसान है मतलब, हर लड़के की तबीयत माइल होती है क्योंकि गॉड ने उसको अट्रैक्टिव बनाया है ताकि आपकी तबीयत लड़की की तरफ माइल हो। तो चरस पहली बार पीना मुश्किल है, लेकिन औरत की तरफ हर आदमी की तबीयत माइल होती है। पैगंबरों की, भाई साधुओं की, डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, अगर वो आदमी लड़का है तो, अगर वो लड़का है तो उसका तबीयत माइल होगा। ये नेचर है, इंसान की फितरत है, क्योंकि भाई जो भी गॉड ने हम लोगों को बनाया है ना, तो गॉड ने पहले हम लोगों को बनाया है, बाकी चीज़ बाद में हम लोगों ने बनाया। इस मतलब कहने का ये हुआ कि गॉड ने पहले हम लोगों को आदमी बनाया है, लड़का बनाया है, उसके बाद हम लोग बनते हैं डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह वगैरह। तो गॉड का कानून पहले हम लोग पे लागू होता है, बाद में बाकी चीज़ें आती हैं। तो हम अर्ज क्या कर रहे थे, हम बता ये रहे थे कि भाई चरस की तरफ गंदे लोगों की रगबत होती है, उसकी बदबू से, उसके सेंट से बहुत कम लोग पी पाता है। पहली बार तब बार में कोई नहीं पीता है खुशी से अपने, लेकिन किसी औरत की तरफ, किसी लड़की की तरफ हर लड़के का अट्रैक्शन जाना है, लाजमी है। ये इंसान की नेचर है, फितरत है। तो भाई ये तो गॉड ने हम लोगों की नेचर बनाई है ना इंसान की, अगर बस वो आदमी है तो ये, या तो भाई वो साधु हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रीचर हो, कोई भी हो, भाई अगर वो आदमी है तो उसके अंदर ये तबीयत माइल होगी ही होगी लड़की की तरफ। तो भाई अगर आप आदमी हो तो आपकी तबीयत जो है औरत की तरफ माइल होगी, ये बात होता है। तीसरा फर्क, अगर आप आदमी हो और अगर कोई औरत है तो भाई आपका और उसका दोनों का तबीयत एक दूसरे की तरफ माइल होगा, ये तीसरा फर्क बता रहे हैं। जैसे कि देखिए, अगर आप और कोई लड़की साथ में है तो जितना आपका दिल चाहेगा कि हम उसके करीब जाएं, उस लड़की का भी दिल हो सकता है आप जाए कि हम भी भाई उसके करीब जाएं। लेकिन वहीं पे अगर कोई चरस रखा हो और आप हो तो आपका अगर दिल सोच रहा हो कि भाई हम चरस पी लेते हैं, लेकिन चरस का कोई दिल नहीं कर रहा होगा कि भाई हम इसके पेट में चले जाते हैं। समझ में आ रही है? एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। आप जब मीट का टुकड़ा लेके या मीट खरीद के जब आते हो कसाई के दुकान से, तो भाई चील और कौवा और जो कुत्ता सब होता है उसके तरफ माइल होता है, उसको लेने के लिए कोशिश करता है। लेकिन सोचिए, अगर वहीं पे हम कह रहे हैं कि अगर उस मीट का टुकड़ा का भी ये दिल हो कि भाई क्यों ना हम भी ये सब के साथ उड़ के चील कौवा के पास चल जाएं, कुत्ता के पास चल जाएं, मीट का टुकड़े का भी ये मन हो, तब सोचो उसको रोकना कितना मुश्किल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो भाई यहाँ पे क्या होता है कि इधर से हम लोग का भी भाई नैन मटक का एकदम तबीयत माइल होते रहता है, उनने से भी नैन मटक का चालू होता है। अब चौथा फर्क बताते हैं। चरस को पाने का कोई हलाल रास्ता नहीं है, कोई अच्छा या सही रास्ता नहीं है। किसी भी तरीके से आप पियोगे तो वो गलत के ही रास्ते से लोगे, क्योंकि चरस पीना ही गलत है। वही लड़की को पाना का दो रास्ता है, हलाल और हराम। हलाल ऐसे है कि आप शादी कर लो, निकाह कर लो, मैरिज करो, क्रिश्चियन हो तो। हराम है ऐसे है कि आप गलत रास्ता, तो बहुत सारा है भाई, सही रास्ता कम है, गलत रास्ता ज़्यादा है।
आजकल के यंगस्टर सबका यही प्रॉब्लम है। तो भाई अगर आप हराम पे नहीं जाना चाहते हो तो आपके पास एक और ऑप्शन बचा हुआ है, वो क्या है? हलाल। और हलाल का क्या ऑप्शन है? शादी, मैरिज, निकाह। और वो भी ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ चाहो वहीं हो जाए, हो सकता है आपको लड़की पसंद करती हो, आप भी लड़की को पसंद करते हो, आप दोनों के पापा एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम लोग जो चाहते हैं वो हम लोगों को मिल ही जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो भाई जो लव का काम है ना, बहुत पेचीदा होता है। इतने वाक्यात हम लोग सुनते हैं भाई, इतने वाक्यात देखे हैं भाई, जिसमें लोग को एजुकेशन में पढ़ता है, लव करता है, लव के नाकामयाबी की वजह से कोई ग्लीचर पी के मर रहा है, कोई पंखे से लटक के मर रहा है, कोई कहीं पे जाके ठुका रहा है। ये बात आपको मीडिया नहीं बताएगा, मीडिया बस आपको ये बताएगा कि भाई वो फना फना का पति पत्नी था, वो दहेज के मामले में भाई एक दूसरे के सर फोड़ दिया, कोई किसी का मुँह पे तेजाब फेंक दिया, कोई किसी को मार दिया, ये एक्सीडेंट हो गया, ये सब बताएगा? ये बिल्कुल नहीं बताएगा। और अगर आप लोगों को मेरा बात झूठ लग रहा है तो आप कॉपी और कलम लेके जाइए हॉस्पिटल में, और वहाँ पे सुसाइड रेशियो देख लीजिए, देखिएगा कौन कितना ज़्यादा किस प्यार की नाकामयाबी की वजह से जितना बेड पे बैठे रहता है, पड़ा रहता है, या फिर अधिकतर लोग तो कपड़े में ही चला जाता है। वो सब का नाकामयाबी बस प्यार में नाकामयाब होने की वजह से वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो भाई मीडिया आप लोगों को कभी नहीं बताएगा कि भाई को एजुकेशन में पढ़ने की वजह से उस लड़की ने फांसी लगा ली और एक लड़के ने चार तल्ला के मकान पे से छलांग लगा दी। ये बात आपको मीडिया कभी नहीं बताएगा। तो हम आप लोगों को ये नहीं बता रहे थे कि भाई लड़की चरस है, हम ये आप लोगों को ये बता रहे हैं कि लड़की लड़के के लिए चरस के नशे से ज़्यादा खतरनाक है, और वहीं पर लड़के भी लड़की के लिए चरस के नशे से ज़्यादा खतरनाक है। तो भाई जो भी कोई एजुकेशन में पढ़ रही है लड़के, इधर भी 4-5 99% हो रहे हैं, उधर से भी 4-5%, लेकिन हम ये हरगिज़ नहीं कर रहे हैं कि भाई कोई एजुकेशन में पढ़ने वाला हर इंसान मतलब गलत होता है, ये हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मेरा इससे ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। वो तो भाई आप फ्री में भी चरस बांटने लगोगे ना तो सब लोग नहीं पिएगा, लेकिन इसका गलत असर ये हो रहा है कि भाई आज के वक्त में जीना बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा जीना बढ़ते जा रहा है, गलत काम बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे हो रहा है। भाई गॉड का कसम खा के बोल रहे हैं, जब अजाब का दिन आएगा तो भाई कोई भी तुमको इसके गलत काम के अजाब से नहीं बचा पाएगा। कयामत के दिन में तुम रोओगे, बहुत रोओगे। इसीलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि एहतजाज कीजिए, थोड़ा एहतजाज कीजिए, अपने अंदर थोड़ा सब्र रखिए, एतदाल के साथ काम कीजिए। हो सकता है भाई मेरा बात बहुतों को गलत लग रहा हो, लेकिन भाई लोग सोचते हैं भाई क्या इंडिया अमेरिका कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया भाई, ये लोग जैसे मतलब इस सब टाइप का प्रीचर सब जो बोलते रहता है कि भाई बस लड़की को लड़के के साथ नहीं बैठा, तो भाई लड़की के लड़के के साथ बैठाने में भाई उसका तालीम से एडुकेशन से क्या मतलब है? हम तो बोलते हैं भाई दोनों को अलग अलग बैठाओ ना, जरूरत से ज़्यादा अच्छा से पढ़ाई करेगा। भाई अब आप लड़की को लड़के के साथ बैठा रहे हो, इधर से नैन मटका चल रहा है, उधर से वो नैन मटका कर रहे हैं, आँख मार रहा है, ये हो रहा है, और वहाँ से कहाँ पढ़ाई होगा पाएगा? हो नहीं सकता है। और अगर होता है तो हमको पक्का यकीन है कि भाई वो या तो नामर्द होगा या फिर समझ क्या बोले। तो भाई थोड़ा अलग अलग बैठ के पढ़ लो ना, क्या हो जाएगा? अलग अलग बैठ के पढ़ने से क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ोगे। एक बेहुदा मिसाइल दे रहे हैं आप लोगों को। एक बार एक शख्स आया था ठीक है, वो आके बता रहा था कि हम अपनी बेटी को एक को एजुकेशन वाले स्कूल में भेज दिए, अब लड़का सब उसके पीछे पड़ा हुआ है, बहुत परेशान कर रहा है, हम क्या करें? अरे भाई यार तुम एक मुर्गे को 10 मुर्गी के पीछे छोड़ दोगे, वो एक मुर्गा 10 मुर्गी को नहीं छोड़ेगा, बस वो मुर्गा होना चाहिए वो। और भाई तुम एक मुर्गी को 10 मुर्गी के पीछे छोड़ दिए, और अब करोगे भाई ये लड़के पीछे पड़ गए, हम लोग के ज़माने में तो ऐसा होता नहीं था, अब क्या ज़माना आ गया है, ये वो एकदम सेंसलेस लेखन बात करता है आजकल लोग सब, सेंस है ही नहीं। भाई मीडिया को छोड़िए, हम ऑन द ग्राउंड का बात बता रहे हैं, गॉड वही बात करते हैं जो हकीकत होता है, हम आप लोगों को वही बात बताते हैं जो रियलिटी होता है।